नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें। सभी लोग इस वीडियो को देखकर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाना है और क्रोम ब्राउज़र में गूगल में आपको सर्च करना है ITR। सर्च रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट है, वो सबसे ऊपर है। या तो आप ऐसे ITR गूगल में सर्च करके इस वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं, नहीं तो मैं अपने वीडियो में आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके भी आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो सबसे ऊपर जो सर्च रिजल्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट आई है, इस पर क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब ITR बनने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ लॉगिन करना ज़रूरी होता है। तो सबसे ऊपर बने हुए लॉगिन के टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दो ऑप्शन आ गए हैं, रजिस्टर और लॉगिन। अगर आप पहली बार ITR भर रहे हैं और आपने रजिस्टर नहीं किया है, तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है और नॉर्मल सी फॉर्मेलिटी है, जो डिटेल यहाँ पर मांगी जाती है वो भर के आपको फिल कर देना है। और अगर ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड है, आपने ITR पहले भी फाइल किया है, तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप अपने पैन नंबर से, आधार नंबर से और अदर यूज़र आईडी आपके पास है तो उससे लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने पैन नंबर डालूँगा। पैन नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। पासवर्ड का पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर एक चेक बुक्स बना हुआ है, इस पर टिक करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड फिल करेंगे। पासवर्ड हमने फिल कर दिए हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपने पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगोट पासवर्ड पे क्लिक करके रीसेट कर सकते हैं। मैंने पासवर्ड फिल कर दिए, कंटिन्यू करेंगे। इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। ITR फाइल करने के लिए नीचे बने हुए फाइल नाउ के टैब पर क्लिक करेंगे। फाइल नाउ पर क्लिक करने पर ये पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर सेलेक्ट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर करंट के लिए 2023-24 को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग को हम ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। अब हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करने पर ये पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर तीन ऑप्शन आ चुके हैं, इंडिविजुअल, HUF का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और अदर्स। आप अगर अपना पर्सनल ITR भर रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल को सिलेक्ट है तो रहने देना है, नहीं तो सेलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने पर यह पेज हमारे सामने आ गया है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आई नो विच ITR फ्रॉम आई नीडेड, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा ITR फाइल करना है। जैसे ITR 1, 2, 3, 4, तो हम यहाँ ITR 1 सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड विथ ITR 1 पर क्लिक करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। ये पेज खुलकर हमारे सामने आ चुका है। अब हमें ऑप्शन नंबर 1, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्प्ट लिमिट, इसको सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नीचे वाले ऑप्शन हमारे यहाँ लागू नहीं होते, तो कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। ये पेज खुलकर हमारे सामने आ चुका है। ITR फाइल करने की 5 स्टेप है। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसको चेक करेंगे। उसके बाद ग्रॉस टोटल, उसके बाद टोटल डिडक्शन, फिर टैक्स पेड और टोटल टैक्स लाइबिलिटीज। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर नीचे हैं, हमें सभी को ओपन करना है, चेक करना है। अगर कोई चेंजेज हो तो वो चेंज करना है और उसके बाद सबमिट करना है। तो सबसे पहले हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो टैब है इसे ओपन करना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन के टैब में नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, एड्रेस,
मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको जो एम्प्लॉयमेंट है आपका वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो स्टेट गवर्नमेंट, मतलब आपके यहाँ पर जो भी लागू है, पेंशनर है तो पेंशनर, और अगर कुछ भी लागू नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। मैं स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ तो स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अभी के लिए ऑप्शन 1391 हमें रहने देना है क्योंकि हम ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं। ड्यू डेट के बाद में अगर फाइल करते हैं तो हमें नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नीचे की तरफ चलेंगे, यहाँ पर एक चीज़ और है, यू आर ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BSE। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम से अपना ITR फाइल करना चाहते हैं तो यस करना है और नहीं तो आपको नो करना है। तो जो पुराना टैक्स रेजिम वही अच्छा है तो यहाँ पर हम नो ही रहने देंगे। नीचे चलेंगे, नीचे यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट दिखाई देगा, आपको एक बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है रिटर्न के लिए। रिफंड आपका जो उसी अकाउंट में आएगा वो सेलेक्ट कर लेंगे। आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर आपको ऐड करने हैं। नीचे की तरफ चलेंगे, हमारी पर्सनल डिटेल चेक हो चुकी है, कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो टैब है उस पर उसके आगे ग्रीन टिक आ चुका है और ग्रॉस टोटल है वो अब हम ओपन कर सकते हैं। तो ग्रॉस टोटल पर क्लिक करेंगे, ITR फाइल करते समय आपको अपना फॉर्म नंबर 16 या जो आपका बैंक स्टेटमेंट है या GA-55 आपको अपने पास रखना है और सभी चीज़ों को उससे चेक करना है। तो ग्रॉस टोटल का जो कॉलम है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको जो भी यहाँ लागू हो रहा है उसको आपको यस करके उसको भर देना है और अगर नहीं लागू हो रहा है तो छोड़ देंगे। मेरे यहाँ इनमें से कुछ भी लागू नहीं हो रहा है तो मैंने यहाँ छोड़ दिया है और मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, जो 50,000 की डिडक्शन है वो यहाँ पर दिखा रहा है। सारी चीज़ सही है, फॉर्म नंबर 16 से मैच हो रही है। अब यहाँ पर मेरे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से दो इनकम और बता रहा है, डिविडेंड इनकम दिखा रहा है 67 रुपीज़ की, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट से दिखा रहा है 707 रुपये। तो ये इंटरेस्ट वाली जो है इनकम है ये तो हम 10,000 रुपये तक छूट है तो इसमें तो छूट ले सकेंगे, लेकिन ये डिविडेंड इनकम है इस पर अगर और टैक्स बन रहा है तो हमें पेड करना पड़ेगा। चेक कर लिया, सारी चीज़ें सही है। नीचे की तरफ चलेंगे, ग्रॉस टोटल ये आ चुका है, कन्फर्म कर देंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन और ग्रॉस टोटल के जो टैब है वो दोनों ग्रीन हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, टोटल डिडक्शन पर क्लिक करना है। टोटल डिडक्शन पर क्लिक करेंगे, चेक हमें सभी को करना है। टोटल डिडक्शन में आपकी जितनी भी कटौतियां हैं, जो जो आपने कटौती करवाई है वो यहाँ पर शो होगी, और अगर यहाँ शो नहीं हो रही है तो आप जैसे आपने LIC वगैरह जो भी है आपकी उनमें जो आपने इन्वेस्ट किया है वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। तो मेरी 150,000 रुपये तक की जो कटौतियाँ हैं, इंश्योरेंस वगैरह, वो यहाँ पर ऑलरेडी भरी हुई है, और जो अंडर सेक्शन 80C है हम 1.5 लाख रुपये तक की छूट ले सकते हैं वो मुझे यहाँ पर पूरी मिल रही है और इनमें से मेरे कोई लागू नहीं हो रहा है। तो हम चलेंगे, अब हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमें वो जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर फिल करना है सेविंग बैंक अकाउंट का 80TTA में, तो प्लस एड 80TTA करेंगे और हमारे इंटरेस्ट के 707 रुपये वहाँ पर शो हो रहे थे वो यहाँ पर हम फिल करेंगे और ऐड पर क्लिक करेंगे। टोटल डिडक्शन पहले 150,000 आ रहा था, अब हमें 707 रुपये जो बैंक इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पर हमें ऐड हो चुका है। अब हम कन्फर्म करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल डिडक्शन तीनों टैब हैं
उनके आगे ग्रीन टिक आ चुका है। अब हमें टैक्स पैड को ओपन करना है, जितना हमें हमने टैक्स पैड किया है वो यहाँ पर शो होगा। 30,161 रुपये का जो टैक्स है वो हमने ऑलरेडी पे कर दिया है। अब यहाँ नीचे की तरफ चलेंगे, टोटल टैक्स पेड कंफर्म कर देंगे। टैक्स पेड को हमने कंफर्म कर दिया था, इसके अभी आगे भी ग्रीन का टिक आ चुका है। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी पे क्लिक करेंगे। टोटल टैक्स लायबिलिटीज में ग्रोस टोटल हमारी आ चुकी है, टोटल डिडक्शन आ चुके हैं, टोटल इनकम हमारी है वो यहाँ पर आ चुकी है, और हमने क्या टैक्स किया था, हमारी इनकम पे टैक्स बन रहा है 29,006 रुपये, और हेल्थ और एजुकेशन सेस जो 4% है वो 1,160 रुपये लगे हैं, और हमारा टोटल टैक्स बन रहा है 30,166 रुपये, और हमने जो टैक्स है वो पेड कर दिया है। टोटल इंटरेस्ट कुछ नहीं लग रहा है, टोटल टैक्स बन रहा है 30,166 रुपये। कन्फर्म करेंगे। टैक्स पेड हमने कर दिया है 30,161 रुपये, और हमारा टैक्स जो बन रहा है वो है 30,166 रुपये। तो इसमें 5 रुपये का डिफरेंट आ रहा है, तो हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने पर ये हमें जो 10 रुपये का टैक्स है वो और पेड करना है, क्योंकि जो 5 रुपये वो यहाँ पर पेड नहीं होते हैं, 10 की डिजिट में आपका टैक्स है वो पेड होता है, तो 10 रुपये हमें यहाँ पर और पेड करने हैं। तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर कंटिन्यू सेल्फ असेसमेंट ये ऑलरेडी सेलेक्ट है, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। 10 रुपये का हमें टैक्स है वो और पे करना है, कंटिन्यू करेंगे। सेलेक्ट मोड, आप कैसे कैसे टैक्स पे कर सकते हैं, जैसे आप नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, और पे एट बैंक काउंटर से भी, RTGS, नेफ्ट और पेमेंट गेटवे, इन सब से आप पे कर सकते हैं। तो हम अपना टैक्स पे करेंगे नेट बैंकिंग से, तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट है ऑलरेडी, और SBI मैंने सेलेक्ट कर दिया है, कंटिन्यू करेंगे। पे नाउ, यहाँ पर ये एक चेक बॉक्स बना हुआ है, इस पर आपको टिक करना है और सबमिट टू बैंक करना है। यहाँ पर आपको SBI का जो नेट बैंकिंग का ID पासवर्ड है वो डालना है। टैक्स जो था हमने पेड कर दिया है, द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। यहाँ पर जो हमारा चालान है वो हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करेंगे। सारे जो टैब है उनके आगे ग्रीन टिक आ चुका है, तो अब हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रोसेस टू प्रीव्यू पर क्लिक करने पर ये पेज हमारे सामने आ चुका है, सारी डिटेल यहाँ दी हुई है, हमें चेक कर लेनी है और नीचे की तरफ चलना है। नीचे की तरफ चलकर प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। वैलिडेशन सक्सेसफुली हो चुका है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करने पर हमें ये पेज हमारे सामने आ चुका है। अब हमें ई वेरीफाई नाउ को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू करेंगे। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, ये सिलेक्ट करेंगे और नीचे की तरफ जाकर कंटिन्यू करेंगे। ये एक चेक बॉक्स बना हुआ है, इस पर टिक करना है और जनरेट आधार OTP पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमें
आधार ओटीपी डालने हैं और उसके बाद हमें वैलिडेट करना है। ओटीपी वैलिडेट करने के बाद ये पेज खुलकर हमारे सामने आ गया है, कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न्स, तो हम सबमिट करेंगे। हमारा आईटीआर सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। आप